Students, this is the case study question of chapter probability. It is given that the pair of dice is thrown, and sample space is also given here. So, this is the sample space for a pair of dice. So, you can see this sample space, we already know this. So, now there are some questions related to this. Let us discuss these questions. So, first question is वट इज द प्रोबिलिटी दैट फोर विल नॉट कम अप इधर ऑफ द इधर ऑफ दैम दैन बी थ्रो दिस डाइज तो फोर शुड नाट कम फोर नहीं आना चाहिए तो लेटेस्ट चेक दैट हाउ मैनी टाइम फोर इज़ कमिंग बिकॉज टोटल जो आउटकम्स हैं टोटल आउटकम्स आर थर्टी सिक्स सो लेटेस्ट चेक हाउ मेनी टाइम द फोर इज़ कमिंग सो यू कैन सी हेयर इन दिस रूम फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स एंड हेयर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर एंड सो सिक्स नंबर्स आर हेयर एंड सिक्स नंबर्स आर बट फोर फोर इज कमिंग टू टाइम्स सो वी विल टेक इट एज वन ये जो फोर फोर है दो बार आएगा हम एक ही बार कंसिडर करेंगे तो दीज आर सिक्स नंबर्स एंड फाइव आर कमिंग दिस साइड टोटल इलेवन नंबर्स टोटल इलेवन नंबर्स आर कमिंग वेयर फोर एक बार आएगा एंड टोटल आर थर्टी सब टैक्ट इलेवन फ्राम थर्टी सिक्स टू टी फाइव तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी ट्वेंटी फाइव ओवर थर्टी सिक्स वेयर फोर विल नॉट कम टाइम नो नेक्स्ट इज वट इज द प्रोबिलिटी दैट फाइव विल कम एट लीस्ट वन तो सेम ही होगा हमें चेक करना है कि फाइव एक बार आना चाहिए तो सेम सी फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स एंड हेयर वन फाइव फाइव टू टू थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स फाइव यहाँ पे भी फाइव दो बार आएगा जैसे हम एक ही बार कंसिडर करेंगे तो इस केस में भी जैसे पिछला केस था यहाँ पे भी फाइव जो है वो इलेवन टाइम है वेर इट विल कम वंस सो प्रोबेबिलिटी विल बी इलेवन बाई थर्टी सिक्स दिस इज द लास्ट प्रोबिलिटी इलेवन बाई थर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट द प्रोबलिटी दैट सिक्स विल कम अपन बोथ द डाइस दोनों बार आना चाहिए एक ही केस है देर इज ऑनली वन केस सिक्स सिक्स वेयर सिक्स विल कम वन टाइम सो प्रोबिलिटी इज वन बाई थर्टी सिक्स नैक्सट क्वेश्चन इज वट इज द प्रोबिलिटी दैट बोर्ड नंबर कम अप टू बी इवन सो इफ यू सी इवन नंबर लेट आज चेक इवन नंबर हेयर इवन नंबर वेयर द इवन रोज आर देयर टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिू टू टू फोर टू सिस Three are coming here, then 4, 2, 4, 4, 4, 6, 3 here, and six, two, six, four, six, six. So total nine, nine times the even numbers are coming on both the dice. So probability will be nine over thirty-six, which equals to one by four. Last part is what is the probability that both the numbers comes up to be are prime numbers? so now let us see what are the prime numbers first so prime numbers are 2 3 and 5 which are coming from 1 to 6 so we will check the combination where 2 3 5 and com 5 are coming so here you can see here <coughs> 2 2 this pair is prime number 2 3 is prime number and 2 5 are prime number so 3 in this row then 3, 3 2 3 3 and 3 five these are also prime numbers so three are coming here in this no prime number will come because 4 is already composite number here 5 in this row 5 prime number will come so 5 two 5 3 and 5 five so total nine times the prime numbers are coming so here also the probability will be 9 by 36 which equals to 1 by 4. So these are the answers.